आज हम व्रत के लिए खास कम मेहनत कम चीजों में तैयार आलू का टेस्टी मजेदार नया नाश्ता बनाएंगे। इतना आसान है बनाना कि बस सोचिए और बना लीजिए। तो चलिए बनाते हैं व्रत का आलू वड़ा, जिसे एक बार खाने के बाद रोज यही नाश्ता खाने का मन करेगा। तो झटपट इस व्रत के टेस्टी नाश्ते को बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम उबले हुए आलू। पीसेस में देखें तो मीडियम साइज के 5 पीस आलू। आलू को उबाल लिया है, छिलका निकाल लिया है और थोड़ा ठंडा कर लिया है। और अब हम सबसे पहले आलू को कस लेते हैं। आप गरम में भी मैश कर सकते हैं। आलू को कद्दूकस कर लिया है और अब कढ़ाई या पैन चढ़ाइए। इसमें डालिए 1 टेबल स्पून ऑयल और अब डाल दीजिए 1/2 टीस्पून जीरा। साथ ही डाल दीजिए 2 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक। तो व्रत में हम बिना मसालों का बनाते हैं, इसलिए अदरक ज्यादा मात्रा में डालें, इसी से टेस्ट आएगा। 6 से 7 कटा हुआ करी पत्ता या जीरा आप नहीं खाते तो स्किप कर दीजिएगा दोस्तों। सिर्फ अदरक हरी मिर्च से तड़का लगाइएगा। 1 से 2 बारीक कटी हरी मिर्च डाल दें, एक बार मिला लें। तुरंत डाल दीजिए उबले हुए कसे हुए आलू, एक बार मिला लें। और अब डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पत्ती। और अब हम सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा तड़का में आलू को सौते कर लेने से आलू का गीलापन खत्म हो जाता है। फिर नाश्ता बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और स्वाद भी बहुत बढ़ जाता है। और अब हम चटपटा स्वाद के लिए 1 छोटे चम्मच नींबू का रस डाल देते हैं। मिला लें, फ्लेम बंद कर दें। तो लीजिए 1 मिनट में ही बहुत ही टेस्टी आलू मसाला तैयार है। चूल्हे से उतारने के बाद डाल दीजिए 1 चम्मच दरदरा कुटा हुआ भुना हुआ मूंगफली। मूंगफली से बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। तो अगर आप मूंगफली नहीं खाते तो इसके बदले आप बारीक काट के काजू भी डाल सकते हैं या फिर पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। एक बार मिला लीजिए। तो अभी काफ़ी गर्म है इसलिए हम मिलाने के बाद 2 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं। और चलिए तब तक आगे की तैयारी करते हैं। और अब एक छोटा बोल लीजिए, इसमें डालिए 1/4 कप सिंघाड़े का आटा या फिर 1/4 कप कुट्टू का आटा, दोनों में से कोई एक चीज़ डालें। 1 टेबल स्पून के नाप से 4 चम्मच। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून सेंधा नमक, 1/4 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पत्ती। सभी चीज़ों को एक बार मिला लीजिए। मिलाने के बाद रूम टेम्परेचर का पानी डालिए और इस तरीके से मिलाते हुए हम एक पतला सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो कुट्टू का आटा का अगर इस्तेमाल करेंगे तो नाश्ते का कलर थोड़ा सा डार्क आएगा। तो देखिए गाढ़ा सा पेस्ट तैयार है। थोड़ा हम और पानी डालते हैं। तो इसी तरीके का घोल हमें तैयार करना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना ही पतला। टोटल मैंने 1/3 कप यानी कि 5 से 6 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया। इधर आलू का मिश्रण भी ठंडा हो चुका है। हम 1 बड़े चम्मच आलू मसाला लेते हैं और इस तरीके से गोली बना लेते हैं। तो अगर आपके हाथों में चिपके तो थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगाते हुए गोली बनाइए। देखिए कितना फटाफट बन गया। इसी तरीके से हम थोड़ा मिश्रण लेते हुए बॉल्स बना लेते हैं। तो हमें लड्डू के आकार का बॉल्स बनाना है, आप थोड़े छोटे भी बना सकते हैं। तो बिना किसी तामझाम का, बिना ज़्यादा मेहनत किए फटाफट बनने वाली व्रत की बहुत ही स्वादिष्ट आसान रेसिपी है। तो लीजिए सारे आलू बॉल्स बन के तैयार है। तो सारी तैयारी हो चुकी है। ये जो हमने सिंघाड़े के आटे का स्लरी तैयार किया है, इसे एक बार तले से चला ले। और तेल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए लो फ्लेम पे रख दिया है। और अब एक बॉल लीजिए, इस तरीके से हम कोट कर लेंगे और कोट करके ऑयल में डाल देंगे। तो व्रत के इस नाश्ते को तलने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं। आप व्रत में जो भी तेल या घी खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब एक एक करके नाश्ते को डालते हैं। फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देते हैं। तो बेसन का जैसे पकौड़े का बैटर हम तैयार करते हैं, बस उसी तरीके से आपको बांधा रखना है। तो आलू बड़े डालने के बाद जब आपको किनारों से गोल्डन गोल्डन कलर दिखने लगे, यानी कि आपको ऐसा लगे कि हाँ सिकने लगा है, तो बस धीरे से उलट लीजिएगा। तो जो नाश्ता हमने पहले डाला है उसे उलट लें। तो हल्के हाथों से ही हम उलटेंगे। तो ये ऐसी रेसिपी है कि आप 2 आलू में भी बना सकते हैं। तो जब एक तरफ से सिक जाएगा तभी आपको पलटी करना है। कच्ची में पलटी करिएगा तो जो कोटिंग हमने की है ना वो निकल जाएगी। तो आप इसे किसी भी व्रत में बना सकते हैं। बहुत ही कम मेहनत में स्वादिष्ट नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। उलटने के बाद दूसरी तरफ से भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो टोटल आपको 5 मिनट का ही टाइम लगने वाला है। उलटने के बाद फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है
आलू उबले हुए हैं और जो हमने सिंघाड़े के आटे से कोटिंग की है वो भी पकने में बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेंगे। कोटिंग भी काफ़ी पतली है तो बस इसी तरीके से उलट पलट के हम हल्का सा क्रिस्प कर लेते हैं। तो लीजिए व्रत के आलू बड़े भी बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है और उलटते पुलटते बहुत ही अच्छे से क्रिस्प कर लिया है। तो बस ऑयल से बाहर निकाल लीजिए, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं दोस्तों। गर्मा गर्म खाइएगा तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा। तो बिना लहसुन डाले व्रत की हरी चटनी बना लीजिएगा, यानी कि धनिया की चटनी, उसके साथ ये नाश्ता बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो देखिए हमने जितना मात्रा लिया एक बैच में ही सारे के सारे बन गए हैं। तो बस गर्मा गर्म प्लेट में निकाल लें। तो देखिए कितना टेस्टी चटपटा दिख रहा है। तो अभी काफ़ी गर्म है लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी क्रिस्प है। तो दोस्तों व्रत के आलू बड़ा की रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, आपका आलू बोंडा कैसा बना ये भी बताइएगा और घर का जायका चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप आलू वड़ा में काफ़ी देर तक कुरकुरा पंचाते हैं तो सिंघाड़े के आटे का जो हमने स्लरी तैयार किया, बैटर बनाया, उसमें समा राइस का पाउडर ज़रूर डालिएगा। तो मैंने मिर्ची फ्राई के साथ सर्व किया है, हरी चटनी के साथ बहुत ही बढ़िया लगेगा। मैं आपको दिखाती हूँ अंदर जो हमने आलू मसाला स्टफ किया है उसमें भी स्वाद भरपूर है, ऊपर से कोटिंग भी ज़बरदस्त तैयार हुई है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, सभी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे।